हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी पेटल्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ, रवा उपमा। रवा उपमा बहुत ही जनरल सी रेसिपी है, सबके घर में बनती होगी, आप लोग भी बनाते होंगे, सबका अलग अलग तरीका होगा बनाने का। बट आज मैं जो लेकर आई हूँ वो एकदम ऑथेंटिक और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली। सो रवा उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रवा। मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है मैंने इसको। ये मेरा मेजरिंग कप है, इससे मैंने 1 कप लिया है। ये 1.5 का है मेजर, 125 ml का, इससे मैंने 2 कप लिया है रवा। ये मैंने थोड़े से पीनट्स लिए हैं। ये मैंने 2 टीस्पून मैंने शुगर लिया है। ये मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ता ली हुई है। यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू, थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा सा उड़द दाल। ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, बट ये डालने से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रंचीनेस आता है रवा उपमा में, आपको बहुत पसंद आएगा, आप एक बार जरूर ट्राई करें बनाकर ये दोनों ऐड करके। मैंने यहाँ पे थोड़े से लेमन लिया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कोकोनट पाउडर लिया है। आप फ्रेश वाला कोकोनट पाउडर, कोकोनट भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड सीड्स है। ये थोड़ा सा जीरा लिया है मैंने और ये नमक है। यहाँ पे मैंने यही मेजरिंग कप से मैंने 2.5 कप पानी लिया है इसमें। ये मैंने थोड़े से गाजर, यहाँ पे शिमला मिर्च और थोड़ी सी मटर ली, मैंने फ्रेश मटर यूज किया है, आप फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से अनियन, थोड़ा सा टोमेटो, थोड़ा सा जिंजर लिया है मैंने, जिसको बारीक में काट लिया है, आप ग्रेट करके भी यूज कर सकते हो, करीब 1 इंच के करीब होगा अदरक। 2 मिर्ची ली है मैंने और 5 से 7 करी पत्ते लिए। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा जो हमारे पास ऑयल है हम वो डाल देंगे। फिर ये जो हमारा पीनट्स है इसको हम पहले रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे हमारा पीनट्स रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ काजू लिए हुए हैं, हम उसको भी साथ में ही रोस्ट कर लेंगे। और आप देखिए दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। के करीब मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे। जब अच्छे से मस्टर्ड सीड्स चटकने लगे तब हम इसमें जीरा डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे। इसके बाद जो हमने यहाँ पे चना दाल और उड़द दाल ली हुई है ये भी हम डाल देंगे इसी टाइम पे, ताकि ये हमारा सारा चीजें जो हम डाल रहे हैं ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। और उड़द दाल भी इसी स्टेज पे डालेंगे हम। इसको करीब 1 मिनट के करीब इसको अच्छे से पका लेंगे। शिमला मिर्च भी काट के रखे हैं, ये भी अभी डाल सकेंगे इसमें।
फिर हमने यहाँ पे मटर रख देंगे। ये सारे वेजीज डालने के बाद करीब एक मिनट तक भूनने सारे वेजीज को। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी वेजीज पक चुकी है। अभी जो हमारा टमाटर था वो भी हम इसी स्टेज पे डाल देंगे। चला दें इसे। अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे। सब्जी को भूनने के बाद अच्छी तरह से, जो ये मैंने पानी लिया था, ये मेजरिंग कप है मेरा, इससे मैंने 2.5 कप पानी लिया था और ये वाले कप से 2 कप रवा लिया था मैंने, तो हम इसी स्टेज में पानी हमारा जो है वो डाल देंगे। पानी डालने से सारी सब्जियां जो है हमारी पक जाएगी। ढक देंगे और करीब 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे ढक के। तो ये करीब 1 मिनट पकाने के बाद ये हमारी सारी सब्जी और जितने भी चीजें हैं ये अच्छे से पक चुकी है। उनसे 2 टीस्पून शुगर लिया है, ये आप ऐड करें इसमें। ये जो हमने पीनट्स और काजू हमने रोस्ट किया था ये डाल देंगे। ये पूरी तरह से जो हमारा उपमा है ये पक चुका है। अब इस स्टेज में हम यहाँ पे डालेंगे, ये मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लिया है, ये जो हमारा धनिया पत्ता है ये हम डाल देंगे इसमें, और ये लेमन है, मिला दें इसे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी रवा उपमा तैयार है हमारा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना कमेंट, अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर हमें बताएं कि आपको रेसिपी कैसे लगी और आप और कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।